राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर हम किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए, क्योंकि फ्यूचर या भविष्य जानने की जिज्ञासा हर किसी में रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भविष्य किस ग्रह से देखा जाता है? जो आपका आने वाला समय है उसका संबंध सूर्य और बृहस्पति के साथ रहता है। यानी कि अगर आपको अपना आने वाला समय यानी कि भविष्य अच्छा करना है तो आपको सूर्य और बृहस्पति को अच्छा करना पड़ेगा। इनको अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है? सूर्य को अच्छा करने के लिए कभी भी किसी के आगे अपना दुख नहीं रोना, माता पिता या बहुत ज्यादा करीबी दोस्त के अलावा, ठीक है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना, कम बोलो मगर झूठ मत बोलो। तो उसके बाद आ गया तीसरा, किसी का झूठा भोजन नहीं करना। ये आपको कोरोना ने बाखूबी सिखा दिया होगा कि झूठा भोजन करने से या किसी के साथ हाथ मिलाने से क्या होता है। अपनी परंपराओं को, जो परंपराएं हमारे माता पिता हमारे बुजुर्ग निभाते आए हैं, उनको कभी भी नहीं छोड़ना, उनका कभी भी अपमान परंपराओं का नहीं करना। अब इसके बाद बारी आती है बृहस्पति की। एक विवेकवान व्यक्ति बनना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई भी निर्णय धैर्य के साथ सोच समझकर बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह करके ही लेना चाहिए। यकीन मानेगा कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा हमें अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। ज्ञान बढ़ाने के लिए धार्मिक ग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन, आधुनिकता के समय में अच्छे धार्मिक ज्ञानवान वीडियो भी हम देख सकते हैं, और हमें शरीर पर थोड़ा बहुत सोना धारण करना चाहिए। किसी सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी के मार्गदर्शन में आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए अपने ग्रहों के अनुकूल, क्योंकि कई ग्रह ऐसे होते हैं जिनके दान करने से हमें लाभ की जगह हानि हो जाती है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपका भविष्य जो कि आने वाला है वह सुधर जाएगा। यही आज का विषय था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज रेड बटन को क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।